वो पूजा के खास फूल मंगाए मैंने, वो वहां रखे लेके आना तुम। हाँ। क्या किया आपने? अरे देख के नहीं जा सकते, सारे फूल गिरा दिए। आंखें क्या सिर्फ मेरे पास है? आपके आंखों में बटन लगा के चल रहे थे। चलो जमा करो अभी। नहीं, अब मैं ये नीचे गिरे हुए फूल तो नहीं चढ़ा सकती ना भगवान को। सासू माँ, हम दूसरा अरेंज करके लाते हैं कहीं। जाओ। कैसे ले आएंगे? ये बड़े खास फूल है दामाद जी, आसानी से नहीं मिलेंगे। मम्मी दिल छोटा मत करो, अब जिस भी फूल से पूजा करेंगे लक्ष्मी माँ और विष्णु जी बहुत खुश होंगे। हाँ। नहीं बेटा, मैं पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा करना चाहती थी, कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। काश किसी तरह मैं मम्मी के लिए फूलों का इंतजाम कर पाती। चला तुम? मैंने सुना आपका लक्ष्मी नारायण विवाह है, तो मैं ये ले आई। ये फूल विष्णु जी को बहुत प्रिय है। तुम ना कमाल हो, जब भी मुझे जरूरत होती है पता नहीं कहाँ से आ जाती हो मेरी हर परेशानी का हल लेके। मैं तो केवल विष्णु जी के लिए आई हूँ, ये फूल खास उनके लिए अपने बगीचे से तोड़े हैं मैंने, चढ़ा जरूर देना। तुम आओ ना अंदर, तुम ही चढ़ा देना, और वैसे भी तुम हमेशा बाहर से ही चली जाती हो। लक्ष्मी की ये चुनौती स्वीकार है तुम्हें लक्ष्मी, तुम अब सविता के सामने नहीं आओगी, किसी भी स्थिति में तुम उसकी सहायता नहीं करोगी। अंदर आने का मन तो मेरा भी है, आपकी मम्मी से मिलना भी चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहन ने मना किया है तो नहीं आ सकती। बहन? तुम्हारी बहन भी है? हाँ है ना, लेकिन मुझसे बहुत अलग, हर चीज में मेरी बराबरी करनी है, बड़ी जिद्दी है। मैं अंदर आई तो बहुत गुस्सा करेगी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन विष्णु जी को ये फूल जरूर चढ़ा देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे बड़ी अनोखी बच्ची। सॉरी सासू माँ, फूल गिर गया। कोई बात नहीं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है बिना फूलों के लक्ष्मी नारायण विवाह कैसे होगा। पूजा होगी और आप जैसे चाहती थी वैसी ही होगी। ये देखिए विष्णु जी के फेवरेट फूल। इतनी जल्दी कहां से मिले तुझे ये फूल, वो भी इतनी आसानी से? वो चंचला है ना, वो बच्ची, वो देखे गई थी उसके बगीचे के फूल। वो बच्ची भी ना,
लगता है जैसे लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद ही है, हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती है। श्रेया, जरा वैभव को फोन लगाना, वो पंडित जी को बुलाने गया था, विवाह का मुहूर्त होने जा रहा है। हाँ हाँ, अभी ट्राई करती हूँ। देखो तो सही, वाह वाह वाह, देखो तो सही, हमारे हैंडसम डैशिंग दूल्हे राजा को। पापा आज ना आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे अरे, अब इधर क्यों खड़े हो, चलो चलो दोनों वहां पे साथ में खड़े हो जाइए, आइए आइए, दूल्हा दुल्हन एक साथ। अब लग रहा है ना विष्णु जी और लक्ष्मी माँ। अच्छा चलो चलो शुरू करते हैं अब। अरे शुरू करे कैसे, विवाह करवाएगा कौन, पंडित जी तो अभी तक आए नहीं और वैभव भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे अरे ये लो, वैभव आ गया। वैभव, पंडित जी कहाँ है? मम्मी पंडित जी तो नहीं आ पाएंगे। क्यों? मतलब वो यहाँ आने के लिए निकल गए थे पर उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुहूर्त तो शुरू हो गया, दूसरे पंडित को बुलाने तक मुहूर्त न चला जाए। हाँ, नहीं होगी सविता, आज तो लक्ष्मी नारायण विवाह होगा ही नहीं, कभी और रख लेते हैं। पर अरे अब पर वर क्या, अब जब पंडित जी नहीं है तो पूजा कौन करेगा? हाँ, इतने मन से मैंने चाहा था कि मैं लक्ष्मी नारायण की पूजा करूं, माफ करना माँ, नहीं करवा पाई। ध्यान दो सविता, पहचानो लक्ष्मी के बदलते भावों और उसकी मंशाओं को। देखो वह लक्ष्मी विष्णु विवाह ना होने से कितनी प्रसन्न है। इतनी सारी तैयारियां की थी मैंने, फिर भी ये पूजा नहीं करवा पाई मैं। लक्ष्मी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं उनके लिए लक्ष्मी नारायण का विवाह नहीं कर पाई। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी मोहल्ले वाले मंदिर के पंडित जी को लेकर आती हूँ। श्रेया? अब जी पापा। बेटा पहले मौका नहीं मिला तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए पापा क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। पापा आप ये क्या बोल रहे हो, आप माफी क्यों मांग रहे हो? जो कुछ भी हुआ हमने तुम्हें इतना गलत समझा, तुम वैभव की जान बचा रही थी और उस ऋषभ की वजह से हमने तुम्हें कितना गलत समझा। पापा जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। अब प्लीज बुरा मत फील कीजिए। जो भी है तुमने हमेशा अपने से ज्यादा उस परिवार की परवाह की है। परवाह क्यों नहीं करूंगी पापा, ये मेरा घर भी तो है। और अब जो हुआ उसे भूल जा, मैं अभी जाके पंडित जी को लेकर आती हूँ और साथ में मिलके पूजा करते हैं। अभी भी मुहूर्त में समय है, जल्दी से पंडित जी को लेकर आती हूँ। अरे श्रीया बेटिया इधर, इधर कहाँ? वो अगली गली में पंडित जी है ना, उन्हें लेने जा रही हूँ, घर में पूजा है। वो अपने पंडित शर्मा जी? हाँ। अरे वो तो आज सुबह ही गए हैं किसी के घर पूजा करवाने के लिए, वो घर पर नहीं है। क्या ठीक है, कहाँ से ढूंढ के लाओ पंडित को। श्रेया, इंसान जिस चीज को ढूंढता है वो अक्सर उसके आसपास ही होती है। दिव्या जी आप, क्या हुआ श्रेया? देखिए ना दिव्या जी, आपने इतना अच्छा सुझाव दिया था लक्ष्मी नारायण विवाह कराने का, मम्मी ने भी इतने मन से तैयारी की,
लेकिन पंडित जी ही नहीं मिल रहे। पर पंडित जी तो तुम्हारे घर में ही है, फिर बाहर क्यों खोज रही हो? मतलब सविता ने एक बार मुझे बताया था कि उसके दामाद विद्याधर ने वैदिक विद्यालय से पढ़ाई की है, तो उन्हें तो वेदों शास्त्रों का ज्ञान भी होगा। तो सविता मान भी जाओ, हम किसी और दिन कर लेंगे पूजा। हाँ छोड़ो, चलो। पापा पूजा आज के लिए तय हुई है और आज ही होगी। श्रेया कैसे होगी पूजा? जीजा जी आप एक वैदिक स्कूल में पढ़े हैं ना? हाँ। वहाँ पे आपको मंत्र विधि पूजा वगैरह सब कुछ सिखाया जाता था ना? हाँ लेकिन। तो बस आप है ना हमारे होममेड पंडित जी, आप ही कराएंगे पूजा और लक्ष्मी नारायण विवाह भी। माँ आपकी भक्त सविता सच्चाई को क्यों नहीं देख पा रही है? भक्त को भगवान पर अटूट विश्वास होता है। सविता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके समक्ष जो है वो उसकी लक्ष्मी माँ, वह उनका कभी विरोध नहीं करेगी क्योंकि मैं सविता को जानती हूँ। किंतु शीघ्र ही उसे आभास हो जाएगा कि वो उसकी लक्ष्मी माँ नहीं, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध मन से जुड़ा होता है। दृष्टि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है किंतु भक्त का निश्चल मन अधिक समय तक भ्रमित नहीं रह सकता। मुझे ये विवाह संपन्न होने से रोकना ही होगा। वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं।
बेटा म्यूजिक बजाना है ना, बजाओ, और यहाँ नहीं कहीं और निकलो, चलो चलो। तुम्हारे लिए पूजा पाठ मायने नहीं रखती होगी, लेकिन हमारी मम्मी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके पूजा में विघ्न हम तुम्हें डालने नहीं देंगे। बेटर होगा तुम लोग भी थोड़ी भक्ति कर लो, इसी बहाने थोड़ी सद्बुद्धि भी मिल जाएगी। भाई काफी पब्लिक ग्रुप गए हैं इनके सपोर्ट में, निकलते हैं यहाँ से। चलो निकलो, ए, चालू कर। अब कीजिए लक्ष्मी नारायण विवाह की विधि पूरी, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए वर और वधु तुलसी माता के भी परिक्रमा कर लीजिए। हो गई विवाह संपन्न। हाँ सासुमा, अब अंदर चल के सबसे पहले पंडित जी को भोग लगवाइए। चलिए चलिए। ये माँ को क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही थी शंख? शुभ मंगल हो सुबह से शाम तक हो शुभ।
प्रणाम धन वैभव खूब वर्षे हर पल में हो शुभ नाम शुभ नाम शुभ नाम शुभ नाम।